सीधे आपको लिए चलते हैं, इनेलो नेता अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से ये फसलें बिल्कुल खत्म हो गई। अब तक सरकार ने ना तो कोई स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए और ना ही सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा बयान अब तक आया है कि हम इसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, किसान को उसकी फसल का जो लागत था उस हिसाब से उसको मुआवजा देंगे ताकि वो आगे अपनी फसल, अगली फसल की तैयारी कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा स्टेट कृषि प्रधान है, यहाँ लोग खेती के व्यवसाय से ज़्यादा जुड़े हैं और उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाए, ना ही विधानसभा में इस इशू के ऊपर मैंने सरकार को अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन दिया था। बड़ा सीरियस इशू था लेकिन मेरा कॉलिंग डिसअलाउड कर दिया। उनको पता था कि मैं खुल करके किसान की बात करूंगा, खुल करके बताऊंगा कि किस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हुई और सरकार को फिर कहीं ना कहीं अपना जवाब इस पर देना पड़ेगा। इसी तरह से बुजुर्गों की जो पेंशन का मामला है, आज चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बढ़ाई थी, बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो ये कहते हैं, आपके माध्यम से मैंने उनका एक बयान सुना था, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन बनाई थी तब भी उन्होंने इस किस्म की कैप उस पर लगाई थी कि कोई किसी की इनकम ज़्यादा हो तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कोई कैप नहीं लगाया। मुख्यमंत्री जी को कोई भी बात मीडिया में कहने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने सरकार में रहते हुए क्या फैसला लिया था, और फिर उसके बारे में जिक्र करना चाहिए। उन्होंने जो ये कहा, ये कहने का मतलब तो उन्होंने अपने पद की गरिमा कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। उन्होंने 100 रुपये वाली पेंशन जो आज बढ़ करके जो 2500 रुपये हो, हैरानी की बात यह है, मैंने इस बुढ़ापा पेंशन के बारे में भी कॉलिंग किया, उस पर भी चर्चा नहीं किया क्योंकि उस पर चर्चा कराते थे फंस जाते और इनको जवाब देना पड़ता है। विशेष रूप से इनके जो 2 मंत्री हैं वो इस इशू पर बस करके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने चौधरी देवीलाल के फोटो लगा करके वोट मांगे थे। उन्होंने ये कहा था कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने नीतियों को बढ़ाने की बजाय जो चौधरी देवीलाल के द्वारा बढ़ाई गई पेंशन थी उस पेंशन को जब सरकार काटती तो विरोध नहीं कर सके। इसलिए विरोध नहीं कर सकते थे ये बेचारे कि अगर ये विरोध करते तो फिर कहीं ना कहीं इनकी कार और कोठियाँ छीन ली जाती, इसलिए इसको भी टाल दिया। लेकिन हमने फैसला किया है कि हमारा में इस बात का विरोध करेंगे। हमने अभी 5 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इसको लेकर के मेमोरेंडम दिए और हम 25 तारीख को 25 सितंबर को आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं जिसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और अब की बार इसको फतेहाबाद में मनाएंगे। हमने अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर रखी है। हम उस दिन 25 तारीख को बुजुर्गों की पेंशन के मामले को लेकर के बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे और इसके लिए अगर हमें कोई संघर्ष का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हर हालत के अंदर चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन सरकार को मजबूर करेंगे बहाल करने के लिए और पेंशन बहाल करवा करके इस बात के लिए भी सरकार को मजबूर करेंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाए। उसके अलावा बढ़ते नशे के ऊपर भी मैंने खुल करके कल चर्चा करी थी लेकिन आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। हैरानी की बात है कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया था कि वो इस नशे के धंधे को कैसे ख़त्म करेंगे। केवल ये कहना कि हमने कर्मचारी तो कम रखे हैं
हम लगातार प्रयास करें, लेकिन ये कह करके हाउस के अंदर कही कि हमारे हौसले बहुत बुलंद है, हम इसको खत्म करके रहेंगे। हौसले बुलंद नहीं, हौसले आपके खत्म हो गए। आप लोगों ने नशे के कारोबार को 2019 को जो मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी, मैंने कल हाउस में पूछा था कि आपने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, वो ये बता नहीं सके कि मैंने आपकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने जोर दे करके मुख्यमंत्री से कहा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई विधायक आपसे लिखित रूप में ये पूछे, आपसे पूछे कि भी आप इस पर क्या कदम उठा रहे, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप हमें उसका जवाब दें। ना तो चिट्ठी लिखते उसका जवाब देते, और ना ही हम विधानसभा में जब इनके मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, किसी भी प्रदेश के अंदर जो कमियां और खामियां हैं उस पर जब चर्चा करते हैं, तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ना नशे के कारोबार पे कोई जवाब आया, ना ही खनन माफिया को लेकर के जो DSP की हत्या हुई थी उस पर जो बात हमने पूछी थी सरकार से, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने जितने सप्लीमेंट्री पूछे, एक भी सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर ने खड़े होकर के जवाब नहीं दिया, बताया नहीं कि ये जो कमियां और खामियां आप उजागर कर रहे हो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसी तरीके से विधायकों को जो धमकियां मिली उसके ऊपर जब हमने पूछा था, उसमें तो आपने सबने देखा ही था कि 416 ऐसे लोग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर है। मैंने विशेष रूप से जोर देकर के गृह मंत्री से बात पूछी, मुख्यमंत्री से पूछी कि जो 416 लोग हैं जिनको आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी, जिसमें बड़ी संख्या में सिक्योरिटी दे रखी, उसमें एक चीज थी जो इनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको इन्होंने करीब मेरी ख्याल 16 या 18 पुलिस के गनमैन दे रखे, और उसमें आगे लिखा हुआ था कि गनमैन क्यों प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें लिखा था कि इनको थ्रेट है। जो 416 लोग थे सबके पीछे थ्रेट ही लिखा हुआ था। अगर उन सबको थ्रेट है तो फिर उनको जिन लोगों ने थ्रेट किया वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? आपने ये क्यों नहीं बताया कि किसने इनको थ्रेट किया? केवल थ्रेट लिख करके सिक्योरिटी दे करके कहीं आप अपने लोगों को मतलब VIP बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि ये बदमाश भी VIP है जिनको सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी। ऐसे अनेक लोग थे जिनका किसी भी पद से कोई सरोकार नहीं है, जिनको सिक्योरिटी देना तो दूर की बात है, उन जैसे लोगों की इंक्वायरियाँ होनी चाहिए कि ये लोग किस किस्म के लोगों के साथ संबंध रखते हैं। हैरानी की बात थी, कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। इसी तरीके से हमने जो किसानों की फसल खराब हो गई थी जिसका बीमा क्लेम मिलना चाहिए था किसान को, उसके बारे में कॉलिंग अटेंशन दिया था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं करी। और कल एक नया काम हुआ, मैंने हमेशा एक बात कही है, आज फिर दोहरा रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की VTP के रूप में काम करते हैं। जैसा आदेश भाजपा की तरफ से उन्हें दिया जाता है उस आदेश की पालना करते हैं। मैंने आपको अनेक उदाहरण इसके दिए, अब एक नया उदाहरण और दे रहा हूँ। कल बहादुरगढ़ की नगर निगम का परिषद, उसका वाइस चेयरमैन का चुनाव था, और उस चुनाव के अंदर हमारे पास हमारी पार्टी के 14 पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 13 पार्षद थे और कांग्रेस के 5 पार्षद थे। कांग्रेस के लोग आखिरी समय तक ये कह रहे थे कि हम अपने 5 लोग जो है अलग से अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, हम किसी के भी पक्ष में अपना मतदान नहीं करेंगे। ऐन आखिरी समय में उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करने की बजाय 5ों के 5ों वोट जो है भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में डाल करके, क्योंकि अगर वो 5ों अलग अपना खड़ा करते तो फिर तो अलग अलग मुद्दों को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साध रहे।